गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके क्लास। ओपन पेज नंबर 24। इन दिस पेज वी विल रीड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट फील्ड्स। Jumbled letters are given to you and you have to unjumble these letters. First is science concerning the study of movement of object through air. That means those object that move in air and science, जिस साइंस में हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट एयर में मूव करते हैं, दैट साइंस इज नोन एज अ एरोनोटिक्स। सेकेंड इज सिंस गवर्निंग ट्रैवल इन स्पेस, सॉरी साइंस गवर्निंग ट्रैवल इन स्पेस। साइंस जो स्पेस की स्टडी करती हैं, जिस साइंस में हम स्पेस की स्टडी करते हैं, दैट इज एस्ट्रोनोट्स, एस्ट्रोनोटिक्स। एस्ट्रोनोट्स क्या करते हैं? जो स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम के बारे में या फिर अदर प्लैनेट्स के बारे में एस्ट्रोनोट स्टडी करते हैं, एंड इस साइंस को बोला जाता है एस्ट्रोनोटिक्स। नेक्स्ट थर्ड इज साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इन अ लार्ज पॉपुलेशन। अगर लार्ज पॉपुलेशन में कोई डिजीज स्प्रेड हो जाती है, दैट डिजीज इज दैट स्टडी ऑफ दैट स्टडी इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी मीन्स साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इन अ लार्ज पॉपुलेशन। नेक्स्ट फोर्थ इज साइंस दैट डील्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ। जैसे हम बताते हैं ना कि अर्थ प्लैनेट है जिस पे हम रह रहे हैं, रीज़न प्लैनेट अर्थ पे आप क्यों रह पा रहे हो, बिकॉज अर्थ पे प्रॉपर एटमोसफियर है, अर्थ की डिस्टेंस सन से प्रॉपर है, दैट मीन्स वेदर जो है वो गर्म भी रहता है, ठंडा भी, और वाटर प्रेजेंस है, वाटर एग्जिस्ट करता है। तो इन तीन रीज़न के कारण हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या बाकी प्लैनेट पर, जैसे मार्स पे स्टडी कर रहे हैं, क्या बाकी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है। और साइंस जो पॉसिबिलिटी ढूंढती है अर्थ के अलावा अगर हम किसी और प्लैनेट पे रह सकते हैं, दैट स्टडी इज़ नोन एज एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज फिफ्थ बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की स्टडी करना, टिश्यूज़ की स्टडी किसमें की जाती है? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजिकल साइंस जिसमें टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है, दैट इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स बनाते हैं जो, तो रोबोट्स की साइंस की जो स्टडी की जाती है, दैट इज रोबोटिक्स। नेक्स्ट सेवेंथ इज साइंस विच डील विद अकरेंस लोकेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आपने न्यूज़ चैनल पर भी देखा होगा, तो अर्थक्वेक जब आता है तो उसको हम स्केल पर मेज़र कर पाते हैं, और उसका सेंटर मतलब मेन अर्थक्वेक कहाँ पे हुआ, कितनी उसकी वैल्यू थी। अगर 7, 4.5 तो नॉर्मल अर्थक्वेक है, बट अगर 7 है या इससे ज़्यादा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स हार्मफुल, बिल्डिंग ब्रेक हो जाती हैं। तो साइंस में जिस ऐसे साइंस जिसमें अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है, दैट इज़ नोन एज साइस्मोलॉजी। ठीक है, इट इज़ नोन एज साइस्मोलॉजी। नेक्स्ट एट इज साइंस विच डील विद द स्टडी रिलेटेड टू एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन एनर्जी। मतलब कितना एफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस एबिलिटी टू डू वर्क, ह्यूमंस की एबिलिटी टू डू वर्क। और जो ह्यूमन एनर्जी की एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, उस साइंस को क्या बोलते हैं? एर्गोनोमिक। नेक्स्ट नाइन्थ इज
साइंस दैट डील्स विद द कॉजेशन ऑफ डिजीज, डिजीज़ का क्या कोज है, क्या कारण है, तो जो साइंस डील करती है दैट इज नोन एज एटियोलॉजी. लास्ट 10th इज साइंस विच डील विद द पासिंग ऑन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. पेरेंट्स से करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ड्यू टू क्रोमोसोम्स, मतलब आपके पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं. मतलब समटाइम आपकी वॉइस अपने पेरेंट्स से मिलती है, या फिर आपकी आईज, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप अपनी मम्मा से, पापा से, दादू से, दादी से मिलता है. दैट इज़ जेनेटिक. हम कहते हैं ना बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखाई दे रहा है, आईज बिल्कुल वैसे हैं, हेयर का कलर वैसा है, समटाइम हाइट जो है वो उनके बच्चों की अपने पेरेंट्स पे जाती है. दैट इज़ जेनेटिक. जेनेटिक मीन्स जो पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है. और ये होती कैसे है, क्रोमोसोम्स की वजह से. क्रोमोसोम्स होते क्या, एक्चुअली जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है तो उसमें एक क्रोमेटिन मटीरियल बनता है जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और क्रोमोसोम्स की वजह से जो ये ट्रांसफ़र होती हैं आपके पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर. नाउ कम टू पेज नंबर 25. फर्स्ट इज इट इज़ अ डिजीज़ अफेक्टिंग ब्रेन. फर्स्ट रीड द अबव पैरा. हेल्थ इज़ अ वेल्थ बट सिकनेस इज़ अ कर्स. हेल्थ, ये तो पता ही है कि हेल्थ जो सबसे बड़ी वेल्थ है, बट अगर आप बीमार हो जाते हो तो वो सबसे बड़ा आपके लिए एक कर्स है, एक श्राप है आपके लिए. गुड हेल्थ बहुत ज़रूरी है आपके लिए. गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम डिजीज़ अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. यूजिंग द हेल्प बॉक्स फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ डिजीज़ इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको कुछ हिंट गिवन है और उस हिंट को रीड करके आपको बताना है कि डिजीज़ का नेम क्या है. फर्स्ट इज़ इट इज़ अ डिजीज़ अफेक्टिंग ब्रेन causing problem with memory, thinking and behavior. ये disease जो है वो specially brain को affect करती है. इससे लोग की memory weak हो जाती है. memory weak होना मतलब कम याद रहता है उनको चीज़ें, thinking and behavior, सोचना कम सोच पाते हैं वो. तो जो brain से related disease है that disease is known as Alzheimer. Alzheimer is a disease that affect brain. ये डिजीज़ जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हम थिंक कम करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट सेकंड इज़ इट इज़ अ डिजीज़ इन विच द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर. दैट डिजीज़ इज़ नोन एज कलर ब्लाइंडनेस. आपने देखा होगा कुछ पीपल जो हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको रेड एंड ग्रीन कलर, इनफैक्ट किसी भी कलर का पता नहीं चलता, सिर्फ उनको टू ही कलर दिखाई देते हैं, वाइट एंड ब्लैक. ठीक है, इनफैक्ट जो स्मॉल बेबी होता है उसको भी सिर्फ दो ही कलर पता चलते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है. वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी कौन सेल्स एक्टिव होती हैं. आपको पता है कि हमारी आईज़ में दो तरह की सेल्स होती हैं, रोड सेल्स एंड कौन सेल्स. कौन सेल्स कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं, ब्राइटनेस में वर्क करती हैं ये. और जो रोड सेल हैं, रोड सेल वर्क करती है इन डिम लाइट, मतलब अंधेरे में आपकी रोड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, आपकी आईज़ ज़्यादा ओपन होती है. बट जैसे ही लाइट में आप आते तो आपकी आईज़ थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, तो उस टाइम पे कौन सेल एक्टिव होती हैं. तो ये कौन सेल आपको क्या बताती है, कलर्स के बारे में. ठीक है, कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाना. बट जिन लोगों की कौन सेल्स एक्टिव नहीं होती वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सिर्फ उनको टू ही कलर पता चलते हैं, ब्लैक एंड वाइट. बाकी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जितने भी कलर्स हैं उनको नहीं पता चलता. सो दैट डिजीज़ इज़ कलर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट थर्ड इज़ इन दिस डिजीज़ देर इज़ अ ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स विच लीड टू लूजनिंग ऑफ टीथ. टीथ लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड गम्स में से, गम्स मीन्स जो मसूड़े हैं उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. दैट डिजीज़ इज़ पायरिया. पायरिया डिजीज़ जो है वो टीथ की है, मतलब दांत जो है वो वीक हो जाते हैं और गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. दैट इज़ पायरिया. तो पायरिया के लिए जितना ज़्यादा आप विटामिन सी लोगे, विटामिन सी से इस डिजीज़ से आप बच सकते हो. तो सिट्रस फ्रूट आप ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ करो. सिट्रस फ्रूट यूज़ करोगे तो आपको ये डिजीज़ नहीं होगी. नेक्स्ट इज़ इन दिस डिजीज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ अफेक्टेड एंड इनिशियल सिम्टम इंडिकेट कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट एंड हाई फीवर.
दैट इज सार्स। सार्स क्या है? एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रेस्पिरेशंस, दैट मीन्स जब आप फूड ले रहे हो तो आपको फूड से एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। देखो दो तरह की प्रोसेस है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीथिंग में तो जस्ट आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी, बट रेस्पिरेशन में आप जो फूड ले रहे हो, फूड ब्रेक होगा, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस डिज़ीज़ में आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट पड़ता है, और कॉमन कोल्ड होना या फिर थ्रोट मीन्स गले में कुछ शोर सा फील होता है एंड हाई फीवर, दैट डिजीज इज सार्स। सार्स फुल फॉर्म ऑफ सार्स इज, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है देन यू विल राइट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ SARS। नेक्स्ट फिफ्थ इज, इट इज अ वायरल डिजीज विथ फीवर एंड जॉन्डिस ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटोज एंड इज ऑफन फेटल। वायरल डिजीज़ दैट मीन्स वायरस के थ्रू ये डिजीज़ फैलती है, एंड विथ फीवर एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या एक तरह का फीवर है, और ये जॉन्डिस जो है वो किस वजह से होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से। तो जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटो नेट का, जहाँ पर आपको लगता है कि मॉस्किटोज ज़्यादा हैं तो आप उस एरिया में मॉस्किटो नेट या फिर मॉस्किटो जो क्रीम आती है वो लगा करके आप इस डिजीज से बच सकते हो। सो फिफ्थ इज येलो फीवर, इसको क्या बोलते हैं, जो जॉन्डिस डिजीज है, येलो फीवर। जॉन्डिस में क्या होता है, पर्सन जो है वो पूरा पेल पीला दिखाई देने लग जाता है ना, तो उसी नेम से पड़ा है इसका नेम, येलो फीवर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, इट इज़ अ डिजीज इन विच मसल्स बिकम वीक, मसल्स वीक हो जाती हैं इस डिजीज में। दिस डिजीज इज मायोप्थी, ठीक है। मायोप्थी में क्या होता है, एक्चुअल में आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट सेवेंथ इज, इट इज़ अ फंगल फूट कंडीशंस अफेक्टिंग द स्किन बिटवीन द टोज। टोज क्या होते हैं, आपके जो पैर के, जैसे आपका हैंड का थंब होता है ना, ऐसे ही पैर के जो पार्ट होता है फर्स्ट, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर टो। तो ये टोज के बीच में जो स्किन है वहाँ पर ही फंगल डिजीज होती है, एंड दैट डिजीज इज एथलीट्स फूड। एथलीट फूट जो डिजीज़ है वो किस वजह से है, जब आप पर्सनल अनहाइजीन, मतलब आप सफाई का ध्यान नहीं रखते, कुछ पर्सन जो है वो डेली बात नहीं करते, तो पर्सनल अनहाइजीन अगर आप सफाई नहीं कर रख रहे हो तो इससे क्या हो जाता है, एथलीट्स फूट, आपके पैरों में एक फंगस डिजीज़ आ जाती है। नेक्स्ट एट्थ इज, इट इज़ अ डिजीज़ दैट मेक्स बोन ईजी टू ब्रेक। बोन वीक हो जाती हैं और ईजिली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे भी 30 की एज के बाद में आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम यूज़ करना चाहिए। तो इस डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ कम टू पेज नंबर 26, वे टू हेल्थ। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी दैट आर बॉडी रिक्वायर्स। गिवन बिलो आर सम रिच सोर्सेज ऑफ फूड। Choose and write the correct components from the help box for these sources. One is done for you. आपको पता है कि balanced diet बहुत ज़रूरी है, balanced diet से आपकी health अच्छी रहती है। तो आपको कुछ food item बता रखे हैं और कौन से component उसमें present हैं। First is yellow vegetable, green leafy vegetables, tomato, butter, egg yolk. Egg yolk क्या होता है बेटा, जो egg का yellow part होता है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, विटामिन ए। येलो वेजिटेबल्स लाइक येलो कैप्सिकम या फिर आप मैंगो खाते हो तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, विटामिन ए। विटामिन ए आपको कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है, येलो वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमाटो, बटर एंड एग योग। सेकेंड इज सीरियल्स, बीन्स, लेंटिन इज अ मसूर दाल, वेजिटेबल लीव्स, स्पिनच, एप्पल, ड्राइड पीच, पोमीग्रेनेट्स, जागरी मीन्स गुड़, इन सब से क्या मिलता है आपको, आयरन। विंटर्स में आप गुड़ खाते हो ना, जागरी, तो स्पिनच, पालक से, सीरियल्स, बीन्स, लेंटिन, मसूर दाल जो है, इन सब से आपको क्या मिलता है, आयरन।
थर्ड इज यीस्ट, सोयाबीन, जर्मिनेटेड पल्सेस, जर्मिनेट मीन्स अंकुरित करते जो आप दाल को, एंड सीरियल्स, मिल्क एंड रिच्ड फ्लोर्स, मिल्क एंड एनरिच्ड फ्लोर जो आप गेहूं का आटा या फिर कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, विटामिन बी. नेक्स्ट फोर्थ इज बटर, घी, ऑयल. मार्जरीन, इन सब में क्या प्रेजेंट है, फैट्स. नेक्स्ट फिफ्थ इज सैलेड, होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. एंड कंपोनेंट इज रफेज, कॉमन सोल्ट, सी फूड. इनमें क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन. आयोडीन क्यों जरूरी है, जिस जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है तो इसके डेफिशिएंसी से आपकी ग्लैंड्स, जो नेक रीजन है, थायरोक्सिन ग्लैंड, स्वेलिंग आ जाती है नेक रीजन में. तो आपकी डाइट में आयोडीन, जो भी आप फूड लेते हो वो आयोडाइज्ड होना चाहिए, सोल्ट, आयोडाइज्ड सोल्ट यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि आयोडाइज्ड सोल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट सेवेंथ इज कॉमन सोल्ट, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग और मिल्क. एंड इसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, सोडियम. जो आपने बताया सोडियम, आयरन, दीज आर मिनरल्स. ये मिनरल्स आपको अपनी डाइट में ज़रूरी है, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन. दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इन स्मॉल अमाउंट. जो आप भी डाइट लेते हो आप, सोडियम, आयरन, ये आपको स्मॉल अमाउंट में लेनी चाहिए. नाउ कम टू पेज नंबर 27. वर्ड स्टॉपर गिवन बिलो आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ सम एनिमल्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स बाकी एनिमल्स से कुछ अलग हैं ये. तो आपको कुछ फीचर्स गिवन है, मतलब उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स गिवन है इन एनिमल्स की. तो आपको एनिमल्स के नेम बताने हैं. अ लॉन्ग आर्म एनिमल, एनिमल जिसकी आर्म काफ़ी लंबी होती है, दैट इज़ गिबन. गिबन इज़ एन एनिमल हुज आर्म इज़ लॉन्ग. नेक्स्ट इज स्ट्रोंगेस्ट एनिमल. स्ट्रोंगेस्ट एनिमल कौन है, राइनोसोरस बीटल. थर्ड इज लाउडेस्ट वॉइस एनिमल ऑन लैंड, जिसकी आवाज़ बहुत तेज है, एंड दैट बर्ड इज हाउलर मंकी. हाउलर मंकी जो है उसकी वॉइस बहुत लाउड है. नेक्स्ट फोर्थ इज लार्जेस्ट ब्रेन एनिमल इन प्रपोर्शन टू इट्स बॉडी, दैट इज एंट. चीटी होती है वो क्या करती है, अपने से ज़्यादा जितना उसका वेट है उसे 100 टाइम ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकती है. नेक्स्ट इज वेनेमस एनिमल. वेनेमस मीन्स टॉक्सिक, जिसमें काफ़ी टॉक्सिक मीन्स जो हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा जहरीला जो एनिमल है, दैट इज सिंगल बॉक्स जेलीफिश. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट कार्निवोर. कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं. आपने साइंस से पढ़ा हुआ ना, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, एंड ओमनीवोर्स जो एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स दोनों को खाते हैं. बट कार्निवोर्स क्या खाते हैं, सिर्फ अदर एनिमल्स को. सो दैट इज साउदर्न एलिफेंट सील. साउदर्न एलिफेंट सील जो है वो लार्जेस्ट कार्निवोर है. लॉन्गेस्ट जंपर, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा जंप कर सकता है, दैट इज स्नो लेपर्ड. नेक्स्ट एट इज द एनिमल विच विद लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ हाइबरनेशन, दैट इज अ मार्मट. हाइबरनेशन मीन्स जो बहुत ज़्यादा सोता है, सुस्त, लेजी. लेजी एनिमल कौन है, मार्मट. स्मॉलेस्ट मैमल. स्मॉलेस्ट मैमल, मैमल मीन्स जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, एंड स्मॉलेस्ट मैमल इज अडल्ट बम्बलबी. लास्ट इज लार्जेस्ट है इज गोरिला. सो टुडे योर वर्क इज डू पेज नंबर 24, 25, 26 and 27 एंड लर्न ऑल्सो. ओके बेटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे.